विनय न मानत जलधि जड़ गए तीन दिन बीती। बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। अब रावण की सभा से आइए राम जी की तरफ चलते हैं, समुद्र की इस तरफ आते हैं कि यहां पर श्री राम जी समुद्र देवता से याचना कर रहे हैं और याचना करते करते तीन दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी ने क्रोध सहित बोला, क्या बोलते हैं श्री राम जी, उनको क्रोध आ गया कि बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आन सोषाओ बारिद बिसिख कृसान सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। तो राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सुखा डालूंगा। मूर्ख से विनय कुटिलता के साथ प्रीति, स्वभाव की कंजूस से सुंदर नीति, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरति बखानी क्रोधी ही सम कामी ही हरि कथा ऊसर बीज बए फल जथा। श्री राम जी कहते हैं कि मूर्ख से विनय करने का कोई लाभ नहीं है। कोई व्यक्ति मूर्ख हो और उससे आप विनती करें कोई फायदा नहीं है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति का कुटिल है, बहुत चलाक है, एक्स्ट्रा ही चलाक है, उसके साथ प्रीति करने से प्रेम करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो आपके साथ में कुटिलता करता रहेगा। और कंजूस से सुंदर नीति यानी कि उदारता का उपदेश अगर हम कंजूस को दें कोई फायदा नहीं है। कंजूस तो स्वाभाविक कंजूस है, वो कंजूस है तो कंजूस रहेगा, उसे आप उदारता की नीति नहीं सिखा सकते। और कोई व्यक्ति अगर बहुत ही ममता में फंसा हुआ है, मोह माया में फंसा हुआ है, उसे अब ज्ञान की कथा कहेंगे तो ज्ञान की कथा उसे समझ में नहीं आएगी। अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, कोई व्यक्ति बहुत लोभी है, अत्यंत लोभी है, लालची है, उसे आप वैराग्य का ज्ञान देंगे ना, नहीं समझ में आएगा। उसी प्रकार क्रोधी से कोई आदमी बहुत क्रोध करता है, गुस्सा करता रहता है, उसका स्वभाव ही गुस्सा करना है, उससे आप शांति की बात करेंगे नहीं समझ में आएगी। और कोई व्यक्ति बहुत कामी है, विषय वासनाओं में लगा रहता है, उसे आप भगवान की कथा सुनाएंगे तो नहीं समझ में आएगी, क्योंकि जिस प्रकार ऊसर में बीज बोते हैं तो बीज खराब हो जाता है, उसी प्रकार इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है, उसी प्रकार इस समुद्र से विनय करने का कोई फायदा नहीं है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा संदन प्रभु बिसिख कराला उठी उदधी और अंतर ज्वाला। तो ये उपदेश देकर श्री राम ने धनुष चढ़ा लिया। अब ये बात न लक्ष्मण जी को बड़ी अच्छी लगी कि जब राम जी ने धनुष चढ़ा लिया तो ये बात लक्ष्मण जी को पसंद आई कि हाँ अब मेरे भैया सही काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई नरम दल और गरम दल हैं। गरम दल हैं लक्ष्मण जी और नरम दल हैं रघुनाथ जी। तो जब
बाण पे तीर चढ़ा लिया रघुनाथ जी ने, तो लक्ष्मण जी को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि लक्ष्मण जी गरम दल के हैं। और प्रभु ने भयानक अग्नि का बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी, समुद्र के अंदर गर्मी पैदा हो गई, उसके हृदय में ज्वाला उठने लग गई। मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार भरि मनि गन नाना, विप्र रूप आयउ तजि माना। मगरमच्छ सांप और मछलियां व्याकुल हो गए, समुद्र के अंदर रहने वाले, इतनी गर्मी हो गई क्योंकि समुद्र के हृदय में अग्नि उठने लगी, अग्नि की ज्वाला उठ गई, समुद्र में गर्मी हो गई, तो मगरमच्छ सांप और मछलियां व्याकुल हो थे। तो लगता है जब समुद्र ने देखा, अरे सब जीव मेरे में आश्रय लिए हुए सभी जीव जल रहे हैं, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ। कौन? समुद्र देव। कांटे ही पाई कदरी परई, कोटि जतन को सींच, बिनय न मान खगेश सुनु, डांटे ही पाई नव नीच। काक भुशुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। कोई नीच आदमी हो जाए ना, नीच आदमी से अगर आप विनय करोगे, प्रार्थना करोगे, नहीं मानेगा, उसको डांटोगे ना तो वो सीधा हो जाएगा, रास्ते पर आ जाएगा। सब सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण, मेरे सब दोषों को क्षमा कर दीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है, तो हमारा तो स्वभाव है जड़ रहना। अगर आपकी बात नहीं मानेंगे, नीति नहीं मानेंगे, तो ये सही नहीं है ना, तो विनाश हो जाएगा। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब गंथनि गाए, प्रभु आय सुजे ही कहाँ जस अहै, सोते ही भांति रहे सुख लहै। हे प्रभु, आपकी प्रेरणा से माया ने सृष्टि के लिए ने उत्पन्न किया है, किसको? आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर जादा पुनि तुमरी कीनी, डोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यहाँ पे समुद्र देवता कह रहे हैं कि प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, कि प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, मर जादा पुनि तुम्हारी खीर दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी तो आपकी ही बनाई हुई है, कि आपने ही रचना की है कि किस जीव की क्या मर्यादा है। प्रभु मैं तो अपनी मर्यादा में था, लेकिन अच्छा किया आपने मुझे शिक्षा दे दी, तो आगे जो छुपाई है ये बड़ी
सुनने वाली चौपाई है। बहुत लोगों ने इस चौपाई के बारे में भ्रांतियां फैलाई हुई हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, कि ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब किसके अधिकारी हैं, ताड़ना के। अब ताड़ना का अर्थ क्या है इस पर चर्चा करते हैं। ताड़ना का अर्थ होता है समझना, शिक्षा देना, निगाह रखना। जिस प्रकार स्कूल में बच्चे होते हैं ना, बच्चों को जब टीचर सिखाता है पढ़ाता है तो वो उनको शिक्षा भी देता है, उन पे ध्यान भी रखता है कि मैंने जो सिखाया वो बच्चों ने सीखा या नहीं सीखा। तो उसी प्रकार जहाँ समुद्र देव कह रहे हैं, उन्होंने देखो अगर पहली लाइन में जाते हैं उन्होंने क्या कहा कि प्रभु आपने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दे दी, मुझे समझाया आपने, मुझे धमका के सिखाया आपने। तो ढोल क्या होता है कि ढोल को जो बजाने वाला, ढोल का ऐसी ढप ढप बजाएंगे तो ढोल क्या करेगा, शोर करेगा, शोर मचाएगा, और वो कानों को उसकी ध्वनि जब ताल में नहीं बजेगा तो कर्कश लगेगी। और जब ढोल को बजाने वाला अच्छा कलाकार होगा, सीखा हुआ होगा, शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति होगा तो वही ढोल कानों को सुहावना लगेगा। उसी प्रकार यहाँ पर गंवार से तात्पर्य है ऐसे व्यक्ति जिसमें शिक्षा की कमी है। तो गंवार व्यक्ति जो थोड़ा सा ज्ञानी है, जिसको ज्ञान की कमी है, उसको ज्ञान दिया जाएगा तो वो व्यक्ति ज्ञानी बनकर इस समाज का कल्याण करेगा। फिर बात करते हैं शूद्र की। देखिए शूद्र कोई जाति नहीं होती है, कार्यों के आधार पर लोगों के वर्ण बांट दिए गए कि जो ज्ञान बांटेगा वो ब्राह्मण हो गया, जो सबकी रक्षा करेगा वो क्षत्रिय हो गया, और जो व्यापार करके उदर पूर्ति करेगा वो वैश्य हो गया, और जो सारे समाज की सेवा करेगा वो शूद्र हो गया। एक और परिभाषा मैं आपको बताता हूं कि जो भिक्षा मांग के कमाता है वो ब्राह्मण होता है, और जो टैक्स वसूल के कर वसूलता हो, टैक्स वसूलता हो, वो क्षत्रिय हो जाता है। जैसे हमारी वर्तमान सरकार हमसे टैक्स वसूलती है और हम पे शासन करती है, ये क्षत्रिय हो गए। तीसरा होता है व्यापारी वर्ग, जो उदर पूर्ति करता है, जो व्यापार करता है, लोगों को रोजगार देता है और मुनाफा कमाता है, क्या कमाता है, फायदा कमाता है, तो वो हो गया वैश्य वर्ग। चौथा हो गया जो सैलरी पाता है, जिसको तनख्वाह मिलती है सेवा करने से, वो हो गया शूद्र वर्ग। तो इस प्रकार आप वर्गीकरण कर सकते हैं। तो शूद्र व्यक्ति के लिए कहा गया है कि शूद्र व्यक्ति को ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है, जब इसको ज्ञान मिलेगा, शिक्षा मिलेगी तो ये समाज की अच्छे प्रकार से, भली प्रकार से सेवा करेगा। फिर कहते हैं पशु। अब जो पशु होता है, जंगली पशु होता है, उसे अब शहर में लाके छोड़ देंगे तो क्या करेगा, लोगों सींग मारेगा, लोगों खा जाएगा, लोगों पे हमला करेगा। तो वो जो पशु है जब मानव समाज के अंदर रहता है, मानव के साथ में रहता है, तो वो मानव के साथ रहना सीखता है। जैसे घोड़ा है, घोड़ा घोड़े को दौड़ना सिखाया जाता है, घोड़े को आदेशों को मानना सिखाया जाता है, तो मनुष्य के काम आता है तो मनुष्य उसकी सवारी करता है। मनुष्य को कहीं गंतव्य पे जाना होता है तो मनुष्य वहां जाता है घोड़े पे चढ़ के। उसी प्रकार बैलों से खेत जोते जाते हैं। अब बैल, जो बैल चल रहे हैं खेत के अंदर, एक नियम से चल रहे हैं ना, उनको शिक्षा मिली हुई है कि मुझे सीधे जाना है, ऐसे मुड़ना है, ऐसे आना है। तो किसान उनको शिक्षा देता है, सिखाता है, फिर उनसे खेती करवाता है, फिर उनसे जुताई करवाता है। उसी प्रकार जो घर में कुत्ता रहता है, उसे पता है कि मुझे खाना कहाँ खाना है, मुझे शौच करने कहाँ जाना है, मेरे अपने कौन हैं जिनकी मुझे रक्षा करनी है, जिनका मुझे डिफेंस करना है। तो शिक्षा पाया हुआ कुत्ता घर की रखवाली कर पाता है।
तो इस प्रकार पशु की शिक्षा इस प्रकार होती है, तब वो मानव समाज के कार्य में आता है। फिर बात आती है नारी की। नारी को हमारे धर्म ग्रंथों में भी बड़ा ऊंचा सम्मान दिया गया है। देवी जो है हमारी माता शेरावाली, दुर्गा माता, सब नारी का रूप है ना। काली माता नारी है, हमारी पीएम इंदिरा गांधी नारी थी, इस प्रकार आप देखिए कल्पना चावला नारी थी। तो नारी जो होती है जो हमारे साथ में रहती है, वो हमारी बहन भी हो सकती है, हमारी माता भी हो सकती है, हमारी पत्नी भी हो सकती है। हम पत्नी की ही बात लें, जब पत्नी नई नई शादियों के घर में आती है तो वो शिक्षा पाती है कि मुझे इस घर में, नए घर में किस प्रकार रहना है, मेरे सास सासू को क्या पसंद है, मेरे पति को क्या पसंद है, मैं इनके लिए क्या बनाऊं, मेरे अगर घर में किसी को कोई बीमारी है तो उसके लिए मैं क्या खाना बनाऊं जो उसके लिए फायदेमंद हो। तो जो नारी घर में आती है तो सीखती है। उसी प्रकार नारी किसी भी वर्ग से हो, उसे भी शिक्षा दी जाती है, तो वो हम समाज के लिए उपयोगी साबित होती है। तो इस प्रकार ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, कि ये सब जो हैं शिक्षा के अधिकारी हैं, ये सब ध्यान रखने योग्य हैं, इनका ध्यान रखा जाना चाहिए और इनको शिक्षा मिलनी चाहिए। यह इस चौपाई का असली अर्थ है। अगर आपसे कोई इस चौपाई पर बहस करता है तो आप, मुझे लगता है, इस बार इस चौपाई का सही अर्थ समझा सकते हैं। ताड़ना मतलब शिक्षा देना, ध्यान देना और उसका ध्यान रखना। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतारी कट कुन मोरी बड़ाई, प्रभु आज्ञा आपेल श्रुति काई, करौ सुबेग जो तुम्हारी सुहाई। समुद्र देवता कहते हैं प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा खत्म हो जाएगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं, आप कहें सूख जाऊं तो मैं सूख जाऊंगा, लेकिन इसमें मेरी मर्यादा खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिस कार्य हेतु आपने मुझे बनाया है अगर मैं सूख जाऊंगा तो मेरी वो मर्यादा खत्म हो जाएगी, फिर मैं समुद्र नहीं कहलाऊंगा, मैं क्या कहलाऊंगा, सूखा कहलाऊंगा। इसमें मेरी बड़ाई खत्म हो जाएगी, मेरी मर्यादा खत्म हो जाएगी, लेकिन आप प्रभु हैं, जो कहें मैं वो बात मानूं। सुनत विनीत बचन अति, कह कर पल मुस्काई, जही विधि उतराए कपि कट को, तात सो कहु उपाय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए आप ही वो उपाय बताइए। नाथ नील नल कपि द्वौ भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिर भारे, तरिहाहि जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, आपकी सेना में नील और नल दो वानर भाई हैं, उन्हें बुलाइए, उन्होंने लड़कपन में ऋषियों से आशीर्वाद पाया था कि उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तर जाएंगे, तैर जाएंगे। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभु ताई, करिहाउ बल अनुमान सहाय, एहि विधि नाथ पायोधि बंधाई, जहि यह सुजसु लोक तेहु गाइया। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर
अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा मैं सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। अब रास्ता समुद्र देवता ने बता दिया। एहि सर मम उत्तर तटवासी हतहु नाथ खल नर अघरासी सुन कर पाल सागर मन पीरा तुर तहि हरि राम रन धीरा। अब बाण तो रघुनाथ ने निकाल लिया। समुद्र देवता जी पूछते हैं, अब मैंने बाण निकाल लिया है, अब ये बाण बिना चले तो वापस जाएगा नहीं, क्या करूं मैं इसका? तो समुद्र देवता कहते हैं, इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध करिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया और अपना बाण चला दिया और अपने बाण से समुद्र के उत्तर तट पर रहने वाले दुष्ट मनुष्य का वध कर दिया बाण चला के। देखि राम बल पौरुष भारी हरषि पयो निधि भय सुखारी सकल चरित कहि प्रभु हि सुनावा चरण बंदी पाथो दिसि धावा। राम मेरे राम मेरे राम 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 सीताराम 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 राम राम। किसी राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र देवता हर्षित होकर सुखी हो गए। उन्होंने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया और फिर चरणों की वंदना करके समुद्र देवता चले गए। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति ही यह मत भायऊ यह चरित कलि मल हर जथा मति दास तुलसी गायऊ सुख भवन संसय समन दवन विषद रघुपति गुण गना तजी सकल आस भरोस कावहि सुनहि संतत सठ मना। कि समुद्र अपने घर को चला गया, श्री रघुनाथ जी को समुद्र का यह मत ये सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलियुग के पापों को हरने वाला है, इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गा सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जा। मेरे राम मेरे राम राम राम। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। और इसी के साथ ही हमारा आज का सुंदरकांड का पाठ यहीं पर समाप्त होता है कि कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये पांचवा सोपान सुंदरकांड समाप्त हुआ।